Hello, my dear friends. Again, you all are here in our channel, and we are doing the lessons related to spoken English. And today is day 4th of idioms and phrases, which I had started in last 3 classes. So today also I'm going to do idioms and phrases, and let me tell you, rest of the idioms and phrases I'll be doing all together in one video, which will be marathon class. Okay, marathon class for idioms and phrases. So please wait for that video, because I'm working on that. And today's class will be on idioms, which are extremely important from the examination point of view. Okay, so let's begin with our next idiom, that is number 16. 16 number is catch a tartar. Okay, catch a tartar means tartar is yellowish layer which gets accumulated on our teeth when we don't brush it. Okay, जब हम लोग अपने दांतों को ब्रश नहीं करते अच्छे से, तो क्या होता है कि कॉर्नर में गम्स और दांतों के बीच का जो पोर्शन है वहाँ पे येलोविश मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टार्टार. दिखने में तो लगता है कि एक ब्रश करेंगे और निकल जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता. उसको निकालने के लिए बहुत जद्दोजहद करने की ज़रूरत होती है, तो इसी को बोलते हैं कैच अ टार्टार. ओके, तो इसका मीनिंग यही होता है कि किसी भी चीज़ को दिखने में इजी लगे, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली उसको करने जाएं तो वो डिफिकल्ट हो. ओके, इट मीन समथिंग विच सीम्स इजी बट व्हेन वी ट्राई टू डू इट, इट बिकम्स अनएक्सपेक्टेडली डिफिकल्ट और ट्रबलसम. ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल. एग्जांपल इज गिवन टू डील विद समवन और सम सिचुएशन which is unexpectedly difficult, troublesome or very powerful. Okay, so catch a tartar means dealing with difficult situation. Okay, dealing with difficult situation. Now let's see the example which is given here. While fighting with Indian army, the enemy realized that they have caught a tartar. Okay, so let's move towards another idiom. Another idiom is cat's paw. Okay, cat's paw. Pronunciation will be paw. P-A-W. It's not pow. Okay, it's paw. Cat's paw. Okay, let's see the story behind it. There was a man who had domesticated two animals. One was monkey and another one was cat. Okay, so ek aadmi tha jisne ki ek monkey, that is bandar, aur ek billi, dono ko डोमेस्टिकेट मतलब उसको पाल के रखा था एज अ पेट. ठीक है, तो दोनों एक ही घर में रहते थे. ठीक है, और एक दिन क्या हुआ कि द मैन हैड केप्ट सम नट्स फॉर रोस्टिंग. एक दिन क्या हुआ कि वो आदमी ने कुछ नट्स, ओके, कुछ बादाम उसने रोस्ट करने के लिए आग में डाला हुआ था. ठीक है, तो वहाँ पे उसने स्ट्रिक्ट हिदायत दी थी मंकी और कैट को कि कोई भी वो बादाम नहीं छुएगा. ठीक है, वो नट को नहीं छुएगा. राइट, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बंदर को खाना था वो नट, और बिना अपना हाथ लगाए. ठीक है, तो बहुत क्लेवरली उसने क्या बोला कैट को, जबकि मालिक दूर चला गया था, कि तुम तो बहुत फुर्तीले हो, बहुत एनर्जेटिक हो, चलो वो नट्स निकालने की कोशिश करो. ठीक है, तो बिल्ली भी आ गया उसके झांसे में और अपने हाथों से एक एक करके नट आग से निकाल के बाहर करने लगा. ओके, और यहाँ पे बंदर बैठा हुआ था उसके पीछे, और एक एक नट वो जो निकाल के रख रहा था ग्राउंड पे आग से वो खाने लगा. ठीक है, बंदर वो एक एक नट को खाने लगा. ये प्रोसेस चलता गया, और कुछ नट्स खाने के बाद में अचानक से वहाँ पे जो मालिक था वो आ गया. ठीक है, तो मालिक ने देखा कि बिल्ली का जो हाथ है वो जला हुआ है, तो ऑब्वियसली इतनी बार आग में हाथ डालेगा निकालेगा हाथ, तो क्या होगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा तो जलेगा ही. ओके, जलेगा भी, और वहाँ पे राख जो है, कोयला जो है, वो तो हाथ में लगेगा. ठीक है, तो वो देखकर मालिक ने सोचा कि ये बिल्ली ही है जिसने मेरा नट
जो रोस्ट हो रहा था उसको चुरा के खाया। तो उसने क्या किया, अच्छे से वो कैट की पिटाई कर दी। ओके, उसको गिल्टी समझ के उसकी पिटाई कर दी। तो ये जो इडियम है उसका यही मतलब है, अ पर्सन यूज्ड अनविटिंगली और अनविलिंगली बाय अनदर पर्सन टू अकम्प्लिश देयर ओन सेल्फिश डिजायर। ओके, किसी और के हाथों से यूज्ड हो जाना, ठीक है, दूसरे के हाथों से मूर्ख बन, दूसरों का जो लालच लोभ है उसको फुलफिल करने के लिए खुद का इस्तेमाल हो जाना, ठीक है, इसको कहते हैं कैट्स पॉ। लेट्स सी द एग्जांपल। पुअर पीपल इजिली बिकम अ कैट्स पॉ इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियंस। अवर नेक्स्ट इडियम इज च्यू दी कड, च्यू दी कड। ये जो इडियम है वो भैंसों से रिलेटेड है, गाय भैंस से, जो कि जब चारा मिलता है उन लोग ज़्यादा खा लेते हैं और अपने स्टोमक को भर लेते हैं, ठीक है, और जब उनके पास फुर्सत में जब टाइम हो उस वक्त क्या करते हैं, वो जो चारा खाया है उन्होंने उसको निकालते हैं, मुंह में लाते हैं खाए हुए चीज़ को, ठीक है, उस वक्त वो पचा हुआ नहीं होता है, ऑलराइट, तो उसको निकालते हैं और धीरे धीरे चबाते हुए अब उसको फाइनल चबा कर अंदर डालती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं च्यू दी कड, है ना, मतलब धीरे धीरे आराम से कोई भी चीज को करना, तो इसका मतलब हो जाता है टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग। ओके, किसी चीज के बारे में आराम से ध्यान लगा के उसके प्लस माइनस के बारे में सोचना। ओके, बिना जल्दबाजी के कोई डिसीजन में आना। ओके, जो प्रोसेस है वो सोचने का उसको बोलते हैं च्यू दी कड। ओके, लेट्स मूव टू अनदर इडियम नाउ। अवर नेक्स्ट इडियम इज डॉग इन द मैंगर। ओके, डॉग तो आपको पता है कुत्ता, और मैंगर का मतलब होता है कि जो एक ऐसी जगह जहाँ पे वो जगह जहाँ पे पशु चारा खाती हैं या खाते हैं, ठीक है, घोड़ा घास खाता है और जो चारा दिया जाता है वो खाता है और गाय बैल भी वहां पे खाती है, ठीक है, तो वहां पे अगर कोई कुत्ता पहुंच जाए तो क्या होगा, चारा तो वो खाएगा नहीं, उसके खाने के जो मेन्यू है वो डिफरेंट है कुत्ते का, ठीक है, तो वहां पे अगर मैंगर में कुत्ता चला जाए तो क्या होगा कि वो जो गाय भैंस है उसको भी खाने के लिए नहीं देगा ना खुद खाएगा, क्योंकि उसके खाने लायक तो चीज है नहीं, राइट, और वो गाय भैंसों को भी खाने नहीं देता है, तो इसी सिचुएशन के ऊपर में बना इडियम द डॉग इन द मैंगर। ओके, इसका मतलब है जो चीज खुद ना खा सके उसको दूसरे को भी खाने नहीं देना, ठीक है, इसका टिपिकल मीनिंग हो जाए अ पर्सन हु डोंट लेट अदर्स एंजॉय व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट एंजॉय। दिस इज एग्जाम्पल, और आई गेस इट इज क्लियर टू यू ऑल। अशोक इज अ डॉग इन द मैंगर बिकॉज ही हिट द बाइसाइकिल डिस्पाइट हिज लेग हैज बीन प्लास्टर्ड। ओके, सो आई होप दिस इज ऑल्सो। लेट्स मूव टू अनदर इडियम एंड दैट इज फेबियन पॉलिसी। ओके, फेबियन पॉलिसी, सो वॉट इज इट, लेट्स फाइंड। रोमन पीपल हैड वॉर विथ अनदर ट्रूप। ओके, एंड एट दैट टाइम The war was called Second Punic War. Now, in this battle, okay, in this fight, the troop of Fabius Maximus was not large one. Okay, huge army was not given to him, but he was very intelligent. Therefore, he knew how to defeat the another party. All right. So he did not fight directly with arms and ammunition, but what he did was he disconnected the association of this another party. With the things which they required, all right, like food, water, and arms and ammunition, one after the other. So one by one, gradually he disconnected everything from the army with which they were fighting. So they became very weak. Without food, the soldiers won't be able to work. Without arms and ammunition, they won't be able to work. All right. So what happened? Finally, they had become so much weak. Because of which Fabian was able to defeat them very easily. Okay, so this process was very slow, and the entire idiom is related with this. Okay, to take time,
And because of this technique of Fabian Maximus, he is regarded as father of guerrilla techniques. Let's see the example here, friends. Indian government officers follow Fabian policy when it's work related to public welfare. Okay, friends, we will keep our class here only and be ready for our next class, which is based on proverbs. Okay, that class is going to be very interesting. So I hope all the students, all the learners will be there with me. And in this class, whatever we have learned, you all are going to revise once again. Okay, from 1 to 20th idioms, you all are going to learn. And there will be a surprise class where we will ask you all to provide the answer of the idioms and phrases. Okay, please be ready for that class as well. So please wait for my another class where I will be doing a new topic, that is proverbs. Okay, so till then we meet. Take care and bye-bye.